With 40 men having spent over 80 hours trapped inside the tunnel in Uttarakhand that collapsed on Sunday, rescue operations at Uttarkashi's tunnel continues in Uttarakhand. The RVNL has now given the responsibility to carry out the drilling operations. Bigger machines are also being flown in from Delhi as a rescue plan for creating a passage with 900 mm wide mile steel pipes continue. In a recent contact with the general physician workers, they complained of minor headaches and nausea while the workers are being provided with essential medicines, glucose and food. Let's listen in to more details on this. से युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने नंबर वन दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। So well, there you heard it, viewers. Of course, the NDRF, SDRF are continuing their efforts to rescue 40 workers who are stuck in the tunnel in Uttarkashi. Roping my reporter back into the broadcast. What more can you share with our viewers on this? देखिए अभी 20 घंटे का तो वक्त लगेगा कम से कम, ये कहा जा रहा है 15 से 20 घंटे का, क्योंकि ये जो मशीन लाई गई है ये एक घंटे में 5 मीटर तक 6 मीटर तक ड्रिल कर सकती है और 5 मीटर का मतलब है कि 60 मीटर तक आपको करना है तो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का वक्त लगेगा। खबर ये भी मिल रही है कि जो मलवा आया है उसमें जो ऊपर उसको सॉलिड बनाने के लिए जो पैनल लोहे के बनाए गए थे छड़ वो भी गिरा है तो वो भी मलबे में दबा हुआ है। इसके अलावा 2 मशीन भी, ये पता चल रहा है कि 2 मशीन वहां पर पहले से काम कर रहा था, मलवा जब गिरा तो मशीन भी वहीं दब गया है। तो इस जो पाइप बिछाने की कोशिश हो रही है, हालांकि जो मजदूर बाहर थे उनसे पूछा गया है कि कहाँ पे मशीन थी तो वो उनके अनुसार उनसे पूछकर जो उसके साइड में पाइप लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर बीच में कोई बड़ा बोल्डर आ जाता है, चट्टान आ जाता है या फिर कोई लोहे का पैनल आ जाता है या फिर वो मशीन आ जाती है तो फिर उनको पहले हटाना पड़ेगा, फिर वहां पे पाइप इंस्टॉल करने होंगे। तो ये समस्या तो है लेकिन सभी कोई बस इंतजार है कि कब तक अच्छी सूचना मिलती है, क्योंकि 5 दिनों तक कोई मजदूर अगर अंदर में रहे उनकी मानसिक हालत क्या हो सकती है, एंजाइटी, बुखार, सरदर्द जैसी समस्याएं अंदर में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के माध्यम से भले ही जीवित रह सकता है लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठंड का मौसम है अंदर, हालांकि कहा जा रहा है कि गर्म कपड़े पहन के गए थे मजदूर लेकिन वो किस तरह से अंदर रह रहा है, इन सब चीजों पर भी अलग बात है, बाद में बातचीत होगी, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी ये पाइप फ्यूम पाइप इंस्टॉल हो ताकि उसके अंदर से उनको क्रॉल करके निकाला जाए। अब सबकी नजर इसी फ्यूम पाइप पर लगी हुई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.